डिड यू नो सैफ अली खान इस्लाम में नहीं मानते हैं। तो आखिर किस धर्म में मानते हैं सैफ अली खान, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। तो गाइस, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, नो डाउट। और सैफ अली खान हर बार अपने कैरेक्टर, अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं पीछे हटते हैं। सैफ अली खान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना कम ही पसंद करते हैं और सैफ धर्म रिलीजन को लेकर वैसे तो कम बात करते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने अपने धर्म को लेकर बात की थी। सैफ अली खान ने कहा था कि उन्हें ज्यादा धार्मिक होने को लेकर चिंता होती है। सैफ अली खान ने धर्म और आध्यात्मिकता पर विचार अपने शेयर किए हैं। और सैफ अली खान का जन्म मुस्लिम फैमिली में हुआ था और सैफ अली खान के पिता फेमस क्रिकेटर मंसूर अली खान थे और उनकी माँ बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर है। वेल गाइस, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, सैफ अली खान ने धर्म के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं रियल लाइफ में अज्ञेयवादी यानी कि एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक वो इंसान होता है जो धर्म या किसी भगवान, ईश्वर, अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले में सेक्युलर हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अधिक धर्म मुझे चिंतित करता है क्योंकि वो पुनर्जन्म पर जोर देते हैं और इस जीवन पर जोर नहीं है। उनको लगता है कि धर्म को एक संगठन के रूप में बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो एक मूल रूप से उनके भगवान या आपके भगवान या किसका भगवान बेहतर है उससे जुड़ी हुई है। सैफ अली खान ने आगे कहा था कि हालांकि वो हायर पावर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो शक्ति जो है, ऊर्जा जो है वो क्या है। वेल, अज्ञेय यानी कि एग्नोस्टिक एक ऐसा इंसान है जो ये बात निश्चित तौर पर नहीं मानता है कि भगवान है या नहीं है। तो गाइस, सैफ अली खान ने बाद के जीवन पर भी अपने व्यूज शेयर किए हैं और कहा है कि वो डेथ के बाद के लाइफ यानी कि आफ्टर लाइफ में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके साथ सारी चीजें भी वहीं खत्म हो जाती है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो किसी भी रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ही कम इंस्पायर होते हैं। आपको ये भी बता दें कि सैफ अली खान का कहना है कि धर्म किसी के लिए भी पर्सनल मामला है, ऐसे में यदि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोग इस बारे में बात करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अपनी फिल्म भूत पुलिस के रिलीज से ठीक पहले ही सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पब्लिक में धर्म, भगवान, मौत और जिंदगी जैसी चीजों पर अपने व्यूज शेयर रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक तरह से आध्यात्मिक है क्योंकि वो हायर पावर पर विश्वास करते हैं। हालांकि हायर पावर क्या है ये पूछने पर उनके पास जवाब नहीं होता है, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो एक एग्नोस्टिक है। तो वही वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान लास्ट टाइम प्रभास और कृति सनन के साथ आदि पुरुष में नजर आए थे और इस फिल्म में उन्होंने रावण का किरदार निभाया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। और सैफ के पास अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। वेल, आपके इस पर क्या व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सुपर अपडेट्स टू फॉलो आवर पेज।